आज का जो हमारा वीडियो है वो है गन के ऊपर, बेसिकली टेम्परेचर गन के ऊपर। ये आपने टेम्परेचर गन हर कहीं देखी होगी, एयरपोर्ट के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर, मॉल्स के बाहर। इससे टेम्परेचर लेते हैं, अगर आपका 99 के ऊपर रहता है तो आपको रोक दिया जाता है, और अगर 99 के कम रहता है तो आपको एंट्री अंदर मिल जाती है। 3 महीने पहले की बात करूँ तो इसके दाम बहुत कम थे, अभी तो इसके दाम जस्ट डबल हो गए क्योंकि कोविड-19 में इसकी बिक्री बहुत बढ़ गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर, क्या है इसके फायदे और कैसे करते हैं इसको यूज़। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरा नाम है दीपक। ये है हमारी टेम्परेचर गन। तो अगर मैं MRP की बात करूँ तो MRP इस पर कहीं भी मेंशन नहीं है। 3 महीने पहले की बात करूँ तो ये 1200 में आ रही थी, मगर अभी तो मैंने इसको 2800 में लिया है। तो चलिए खोलते हैं इसको। तो ये है हमारा मेन यूनिट टेम्परेचर गन। यहाँ पे होती हैं 4 चीज़ें, यहाँ पे होती हैं 5 चीज़ें। अब यहाँ पे 4 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, ये तो आपका हो गया इंफ्रारेड प्रोब, ये ट्रिगर, देन इसके बाद ये सेल, यहाँ पे सेल लगते हैं, यहाँ पे ये पेंसिल सेल लगते हैं, देखिए। उसके बाद ये जो है ये आपका हैंडल है, ये पकड़ने के लिए है, जब टेम्परेचर लेंगे तो आप इसको ऐसे पकड़ेंगे, यह हैंडल है। यहाँ पर बेसिकली 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये आपका हो गया LCD स्क्रीन और ये 4 बटन। अब इसमें ऑन ऑफ का बटन नहीं होता है, अगर आपको इसको ऑन करना है तो आपको ट्रिगर प्रेस करना पड़ेगा, ये ट्रिगर दबाएंगे मशीन ऑन हो जाएगी। ये देखिए ये ऑन हो गई है मशीन। अब ये जो ऊपर का दिख रहा है ये होता है लाइट का बटन, आप इसको दबाएंगे लाइट बंद हो जाएगी, इसको दबाएंगे लाइट चालू हो जाएगी। उसके बाद ये होता है प्लस माइनस, बेसिकली अप का है और ये डाउन का है, और ये मोड है। यहाँ लिखा है CF, सी मतलब हो तो गया है सेंटीग्रेड, F मतलब हो गया है फारेनहाइट। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये अभी सेंटीग्रेड में दिखाएगा, जिसका हम लोग यूज़ इतना करते नहीं है, हम लोग फारेनहाइट में चेक करते हैं, तो ये हमने कर लिया इसको फारेनहाइट। अब इसे टेम्परेचर कैसे देखते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अब हम इसे टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं। टेम्परेचर मेज़र करने के लिए मैंने दबाया ट्रिगर तो मेरी मशीन हो गई ऑन। अब मैं टेम्परेचर लेता हूँ दक्ष, ये देखिए ये दिखा रहा है 97.9। आपको ट्रिगर दिखाना है, टेम्परेचर आ जाएगा। अब मुझे पाम का टेम्परेचर लेना है, शो योर पाम। ये देखिए पाम में थोड़ा ज़्यादा है तो ये दिखा रहा है 98.1। अब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए 102, 103, 105, तो ये मशीन कैसे रिएक्ट करती है ये चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बाउल लिए हैं, एक में मैंने लिया है आइस और एक में मैंने लिया है हॉट वाटर। तो अब इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। ये सबसे पहले हम हॉट वाटर का टेम्परेचर चेक करते हैं। ये मैंने ट्रिगर ऑन किया और ये दिखा रहा हाई। अगर 106 के ऊपर होता है तो ये हाई दिखाता है। आपको वापस से अगर आप प्रेस करेंगे तो ये बीप करना बंद कर देगा। अब आइस का देखते हैं, लो। और अगर मैं टेबल का चेक करता हूँ तो 96.3। तो ऐसे काम करती है हमारी टेम्परेचर गन। अगर मैं इसके प्राइस पॉइंट की बात करूं तो ये मेरे को पड़ी है 2800 में, 2800 रुपये में पड़ी है। फरवरी तक ये कुछ 1200 की थी जैसा कि मैंने आपको बताया, मगर अभी तो खैर मेरे को बहुत महंगी पड़ी है। तो बेसिकली इसके फ़ायदे बहुत हैं, और इसका तब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब आपके घर में एक बेबी हो और उसकी एज 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक हो। वो लोग थर्मामीटर अपने मुँह के अंदर नहीं लगाते हैं, तो बेसिकली ये गन बहुत अच्छी है उनका टेम्परेचर चेक करने के लिए। ये 1 फिट के डिस्टेंस से चेक कर लेती है टेम्परेचर कितना है। तो गाइस अभी तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।